हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सारा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जेन वाई सीजन 2 के एपिसोड 1 का पार्ट 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि फा वायु के पीछे पीछे टेरेस पर आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वायु एक बार उसकी बात सुन ले, पर वायु कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर थानू भी आ जाता है। फा वायु से रिक्वेस्ट करता है कि वायु प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वायु उस पर भड़क जाता है और बोलता है कि क्या सुनूं मैं फा, बोलो क्या सुनूं मैं। तब तक वहाँ पर सैफ, फाई, क्लोई भी टेरेस पर आ जाते हैं। थानू उन्हें अपने पास ही रोक लेता है और ये सब दूर से ही वायु और फा की बातें सुनने लगते हैं। वायु फा से कहता है कि देखो फा, अगर तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए तो प्लीज़ मत बताओ। अब मैं जानना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हूँ। फा, तुम्हें क्या पता कि मुझ पर क्या तकलीफ बीत रही थी जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुमने बिना कोई वजह बताए मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं जिस दर्द से होकर गुजरा हूँ तुम्हें उसका थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है, और आज भी मुझे उतनी ही तकलीफ होती है। तुम्हारा सिर्फ सॉरी बोल देना ही काफ़ी नहीं है, मेरे लिए तुम्हारी सॉरी का अब कोई मतलब नहीं है। इस पर फा उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ वायु, तुम पर जो भी गुजरा है उसके लिए मेरा माफ़ी मांग लेना ही काफ़ी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसमें सारी गलती मेरी थी। मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश भी की, फिर मैंने थानू को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। दूर खड़ा थानू ये सारी बातें सुन रहा था। वायु फा से बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने मार्क के लाइफ में मुझसे सेकेंड चांस क्यों मांगा। फा उससे कहते हैं कि इसलिए तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। वायु, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने वो कमेंट नहीं किया था। ये सुनते ही वायु शॉक्ड रह जाता है। वो फा से बोलता है कि क्या, तो क्या वो कमेंट तुमने नहीं किया था। फा बोलता है कि देखो, मैं श्योर नहीं हूँ कि दोबारा फिर से कोई मेरे नाम से ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए आज मैं खुद ही कन्फर्म करने चला आया कि मैं वो नहीं हूँ। वायु थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है कि अगर वो तुम नहीं थे तो फिर वो कौन है और वो क्या चाहता है। फा उसे कहता है कि ये कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो चाहता है कि तुम्हारे और थानू के बीच में दूरियां आ जाए और तुम दोनों अलग हो जाओ। ये सुनकर वायु और भी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि भला ऐसा कौन चाहता होगा। फा उससे बोलता है कि मुझे पता है कि थानू तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। फिर वो थानू से कहता है कि थानू, मेरी तरह तुम भी वायु को हर्ट मत करना। वायु फा से बोलता है कि मेरे लिए मेरा पहला प्यार तुम थे फा, जो कि अब मुझसे दूर जा चुका है। वायु जब फा को अपना पहला प्यार कहता है तो फा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वायु आगे उससे बोलता है कि लेकिन थानू, मेरा सच्चा प्यार है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। इतना बोलने के बाद वायु थानू की तरफ देखता है। थानू भी उसी की तरफ देख रहा था। अचानक फाई भी थानू को देखने लगता है। ये देखकर वायु उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि फाई भी थानू से प्यार करता है। उसी वक्त मार्क और किट भी जल्दी से भागते हुए वायु के पास आते हैं। वायु को उदास देखकर मार्क उससे पूछता है कि वायु, बोलो तुम्हें किसने हर्ट किया, वो कौन है। गुस्से से वो फा की तरफ देखने लगता है। किट मार्क को शांत रहने को बोलता है। वायु बेचारा पहले से ही उदास था, वो मार्क की बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि फा वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त वो थानू के पास रुकता है और उससे बोलता है कि मैं वायु को तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ थानू, अब से तुम मेरी जगह पे उसका ख्याल रखना। थानू उससे बोलता है कि कोई किसी की भी जगह नहीं ले सकता फा, और रही बात वायु का ख्याल रखने की, तो मैं वायु का ख्याल अपने मन से रख रहा हूँ, ना कि तुम्हारे कहने पर। थानू जब ये बात कहता है तब फाई को रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में थानू वायु से बहुत प्यार करता है। फा थानू से कहता है कि तुम्हें अब से वायु को दो गुना ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, उसे मेरे हिस्से का भी प्यार देना। ये बोलकर फा वहाँ से चला जाता है। किट फा को रुकने के लिए बोलता है लेकिन फा नहीं रुकता, तो किट भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मार्क भी थानू और सैफ को वायु का ख्याल रखने के लिए बोलकर किट के पीछे चला जाता है। थानू वायु के पास आता है और उसे पूछता है कि वायु, तुम ठीक तो हो ना। वायु कुछ नहीं बोलता, बस वो चुपचाप उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी उसका ध्यान फाई की तरफ जाता है। फाई काफ़ी परेशान दिख रहा था। वायु को लगता है कि वो थानू को उसके करीब देखकर ऐसा बिहेव कर रहा है। वायु थानू को बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। सैफ भी उसके पीछे जाता है। वहीं इधर हमें दिखाया जाता है कि किट फा को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन फा उसे इग्नोर करके लिफ्ट के अंदर चला जाता है।
मार्क भी किट के पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों दूसरी लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। किट को स्ट्रेस देखकर मार्क उसका मूड लाइट करने के लिए उसकी हाइट खुद की हाइट से कंपेयर करके टीज करने लगता है। किट उससे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मार्क स्माइल करने लगता है। किट उससे बोलता है कि तुम अब हंस क्यों रहे हो। मार्क उससे कहता है कि एक साल बीत गए लेकिन तुम अब भी बिल्कुल नहीं बदले। तुम अब भी मेरे वही छोटे से प्यारे से किट हो। किट चिढ़ते हुए बोलता है कि हाँ हाँ बढ़िया है छोटे से प्यारे से किट हो। ये कोई टाइम है इन सब बातों का। फाइनली लिफ्ट नीचे पहुँच जाती है। ये दोनों जल्दी से बाहर आते हैं। वही इधर फाह को दिखाया जाता है। अचानक फाह को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी वो आगे चलते चला जा रहा था। मार्क और किट उसे ढूंढते हुए वहाँ आ चुके थे। फाह को अचानक सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। चक्कर खाकर वो गिरने ही वाला होता है तभी मार्क और किट की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो जल्दी से फाह के पास आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। किट उससे पूछता है कि फाह तुम ठीक तो हो ना। फाह उससे बोलता है कि किट क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे। इतना बोलने के बाद फाह वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नीचे आ रहा वायु बेचारा मायूस होकर सीढ़ी पर बैठ जाता है। वहीं को याद आता है कि फाह की ड्राइंग पर बनी तीर धनुष का निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि थानू जब कोई गिफ्ट या कार्ड देता था तो बिल्कुल वैसा ही तीर धनुष का निशान बनाता था। और आज फाई थानू को उसके नज़दीक देखकर जिस तरह से परेशान हो रहा था उससे ये साफ है कि वो भी थानू को चाहता है। वायु इन्हीं ख्यालों में खोया था कि तभी सैब उसके पास आता है। सैब उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वायु उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाने लगता है। सैब भी उसके पीछे पीछे जाता है क्योंकि वायु को इस तरह अकेले छोड़ देना सही नहीं था। वहीं इधर नीचे बैठे सैंडी क्ले पोक और टॉम इस बात से बेखबर थे कि ऊपर क्या चल रहा है। क्ले बोलता है कि यार यहाँ पर इतना कुछ हो गया कितनी अशांति है यहाँ पे पता नहीं वहाँ ऊपर क्या चल रहा है। तभी पोक टोंग से बोलता है कि हे बड़ी। टोंग से बोलता है कि क्या है। पोक उसे कहता है कि मान लो अगर मेरा बड़ी मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखता है तो मैं क्या अपना बड़ी कभी भी चेंज कर सकता हूँ। टोंग से कहता है कि हाँ पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो क्या तुम अपना बड़ी चेंज करना चाहते हो। पोक बोलता है कि अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं अपने बड़ी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। वैसे ये सब खत्म होने के बाद क्या हम साथ में लंच के लिए चल सकते हैं। टोंग कुछ नहीं बोलता। पोक उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ प्लीज़। टोंग उसे कहता है कि ठीक है। पोक को तो यही चाहिए था। वो खुश हो जाता है। उसी वक्त फाई और क्लाई वहाँ पर आते हैं। सैंडी उनसे पूछता है कि तुम दोनों ऊपर गए थे ना वहाँ पर क्या चल रहा था। क्लाई उससे बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन जो भी है वो अच्छा नहीं है। ये सुनकर सैंडी मन ही मन खुश हो रहा था। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। फाई सैंडी की तरफ ही देख रहा था। फाई को सैंडी का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। उसे फाई पर शक होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वायु सीढ़ियों से उतर कर नीचे आता है। सैम भी उसके पीछे पीछे आता है। सैम वायु से पूछता है कि वायु तुम ठीक तो हो ना। वायु उससे कहता है कि सैम क्या तुम मुझे मेरे रूम पर छोड़ सकते हो। सैम उससे बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। अचानक सैम अपना पॉकेट चेक करके बोलता है कि अरे यार लगता है कि मैं अपना कार का चाबी अपने बैग में ही भूल कर आ गया हूँ जो कि अभी इवेंट में है। अब हम क्या करें। तभी वहाँ पर थानू भी आते हुए दिखाई देता है। सैम बोलता है कि अरे ये देखो थानू भी आ गया। सैम थानू से बोलता है कि थानू क्या आप वायु को उसके रूम पर ड्रॉप कर दोगे। थानू बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मैं ड्रॉप कर दूंगा। इसके लिए सैम थानू को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ। फ्रेंड्स सैम ने यह जानबूझकर किया था ताकि थानू और वायु साथ में टाइम स्पेंड कर पाए। थानू वायु से बोलता है कि आओ चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पर छोड़ देता हूँ। वायु उसके साथ चला तो जाता है पर कार में बैठते ही वो थानू से बोलता है कि उसे अभी वापस नहीं जाना। थानू को इतना तो ज़रूर पता था कि वायु उससे नाराज़ है तभी वो उससे इस तरह से बातें कर रहा है। वायु उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि पोक टोंग के साथ लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है। पोक उससे कहता है कि ये जगह सुंदर है ना। टोंग कहता है कि हाँ मुझे तो लगा कि तुम मुझे किसी नूडल शॉप में ले जाओगे। तभी वहाँ उनका जूनियर डेन्यू वहाँ पर आता है और उन दोनों को हेलो बोलता है। पोक और टोंग उसे हेलो बोलते हैं। पोक उससे कहता है कि काफ़ी टाइम के बाद तुम मिले हो कैसे हो तुम। डेन्यू उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। पोक उससे कहता है कि तो तुम यहाँ किसके साथ आए हो। डेन्यू बोलता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आया है। पोक उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी स्कूल स्विमिंग टीम के लिए स्विमिंग कर रहे हो। डेन्यू बोलता है कि हाँ और मैंने आपकी तरह ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया है।
पोको से कहता है कि ओके देन गुड लक, अगर तुम्हें कोई भी एडवाइस चाहिए तो मुझे बताना। डेनियू बोलता है कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। डेनियू पोको उसका नंबर सेव करने के लिए अपना फ़ोन उसे दे देता है। डेनियू ने स्विमिंग कंपटीशन में जीते हुए मेडल के साथ फ़ोटो खिंचवाकर उस तस्वीर को अपने वॉलपेपर पर लगाया था, जिसे देखकर पोको थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसे याद आता है कि अगर उस दिन उस पर हमला नहीं हुआ होता तो आज ये मेडल उसका होता। पोक डेनियू के फ़ोन में अपना नंबर सेव करके उसे दे देता है। डेनियू उससे बोलता है कि अगर उस दिन आपने कम्पीट किया होता तो डेफिनेटली चैम्पियन आप ही होते, पर आप ऐसा नहीं कर पाए, उसके लिए मुझे आपके लिए पीटी फील होता है। पोक उससे कहता है कि नेवर माइंड, अब तो ये बात बहुत ही पुरानी हो गई है। टोंग को भी पोक के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि टोंग ने ही कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से पोक पर कुछ लोगों ने हमला किया, और वो क्या वजह थी ये जानने के लिए आपको सीज़न 1 देखना होगा, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुकी हूँ। डेनियो पोक और टोंग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। पोक टोंग से कहता है कि चलो चलकर बैठते हैं। दोनों कॉर्नर वाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। खाने का ऑर्डर लेने के लिए वेटर उनके पास आता है। टोंग पोक से कहता है कि तो तुम क्या लोगे। पोक उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर सकते हो, कोई ऐसी डिश जो तुम्हें लगता है कि मुझे वो डिश खाना चाहिए, वो डिश ऑर्डर कर दो। टोंग बोलता है कि अच्छा, ऐसी डिश जो तुम्हें खाना चाहिए, ओके। टोंग वेटर को फ्राइड चिकन विंग्स लाने का ऑर्डर दे देता है। पोक वेटर से कहता है कि मेरे लिए मासमन करी लाइएगा। फिर वो टोंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे ना कुछ हॉट और स्पाइसी चाहिए। हम तुम्हारा इशारा समझ रहे हैं पोक, कि हॉट और स्पाइसी से तुम्हारा क्या मतलब है और वो चीज़ कौन सी है। टोंग उससे बोलता है कि अच्छा तो स्पाइसी चाहिए, यम कैसा रहेगा। फ्रेंड्स, यम एक प्रकार का मिक्स सलाद होता है जो कि थाईलैंड में ही मिलता है और ये बहुत ही स्पाइसी होता है। पोक उससे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे यम नहीं चाहिए। टोंग उससे बोलता है कि तो क्या तुम्हें हॉट एंड स्पाइसी सूप चाहिए। भाई मुझे तो चाहिए, वो वेटर से सूप लाने को कहता है। पोक उसे टीज करते हुए बोलता है कि मेरे जैसा हॉट। ये सुनकर टोंग शर्मा जाता है। पोक उससे बोलता है कि क्या तुम्हें होमवर्क पसंद है, देखो यहाँ पे कॉकटेल्स भी मिलते हैं। फिर पोक टोंग की आंखों में आंखें डालकर उससे बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिए एक सेक्स ऑन बीच लेके आइएगा। अब जिनको नहीं पता कि सेक्स ऑन बीच क्या होता है, उनको मैं ये बता दूं कि ये एक प्रकार का कॉकटेल होता है। टोंग पोक से कहता है कि नहीं पोक, बिल्कुल नहीं, कॉकटेल्स तो बिल्कुल नहीं। टोंग वेटर से बोलता है कि आप हम दोनों के लिए सिर्फ नॉर्मल वाटर ही लेकर आइएगा। वेटर बोलता है कि ठीक है, फिर वो ऑर्डर लेकर चला जाता है। पोक टोंग से बोलता है कि मैं कॉकटेल्स क्यों नहीं ऑर्डर कर सकता, क्या तुम डर रहे हो कि मुझे नशा हो जाएगा, और अगर इस बार नशा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ। तभी टोंग उसे बीच में रोकते हुए बोलता है कि बस बस रहने दो। इस पर पोक हंसने लगता है। वैसे अगर आप लोगों ने सीजन 1 देखा होगा तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जब पोक महाराज नशे में टुन होके आए थे तो इन्होंने क्या कांड किया था। चलिए वो सब छोड़िए। टोंग बोलता है कि मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आता हूँ। टोंग वॉशरूम चला जाता है। पोक टोंग का फ़ोन लेकर उसे अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है। पहले दो बार तो वो रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता है, लेकिन थर्ड टाइम में वो फ़ोन को अनलॉक कर लेता है। पोक देखता है कि टोंग ने उसकी फ़ोटो खींची है, वो भी तब जब वो सो रहा है, और उसे बिना बताए सीक्रेटली उसके साथ सेल्फी भी ली है। ये सब देखकर पोक बहुत खुश होता है। टोंग के आने से पहले वो उसका फ़ोन वापस जगह पर रख देता है। इसके बाद हमें इनको लंच करते हुए दिखाया जाता है। पोक टोंग को चिकन देते हुए कहता है कि ये लो चिकन, डिलीशियस है ना। टोंग बोलता है कि हाँ। पोक उससे फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि वैसे कौन ज़्यादा डिलीशियस है, मैं या फिर ये डिश। इस पर टोंग मुस्कुरा देता है और बोलता है कि पोक, अगर कोई डिश डिलीशियस होती है ना तो उसे प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। पोक उससे बोलता है कि सच बताओ ना, क्या मैं हॉट हूँ। टोंग उसे टीज करने के लिए इशारे से नहीं जवाब देता है। पोक उससे कहता है कि ओके, अगर मैं हॉट नहीं हूँ तो तुम ये स्पाइसी नहीं खा पाओगे। अब ये क्या बात हुई यार। एक्चुअल में टोंग ने अपने लिए स्पाइसी फूड ही ऑर्डर किया होता है जो कि ऑब्वियसली वो खाने वाला है, मतलब कि इससे ये साबित हुआ कि पोक हॉट है। टोंग बेचारा क्या बोले, वो तो स्पाइसी फूड खा ही रहा था, वो बस मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम सैब और क्लाई को देखते हैं जो कि रात को सामान लिए यूनिवर्सिटी से घर जाने की तैयारी कर रहे थे। क्लाई सैब से बोलता है कि सैब रुको, मेरा सामान बहुत भारी है। सैब उससे बोलता है कि क्लाई देखो, अगर तुम इतना कंप्लेंट करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले चलूँगा।
ये दोनों कार के ट्रंक में वो बॉक्सेस रख देते हैं। सैम बोलता है कि मुझे वापस इवेंट में जाना ही नहीं चाहिए था, सीनियर्स ने हमसे इतना काम करवाया। इस पर क्लाई उससे बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए आ गए, वरना सीनियर मुझसे तो तब तक काम करवाते जब तक कि मेरी जान नहीं निकल जाती। सैम बोलता है कि पता नहीं वायु कैसा है, वो वायु को कॉल लगाता है। वही इधर वायु और थानू अभी भी कार में बैठे थे, वायु कॉल नहीं उठाता, सैम उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। थानू उससे बोलता है कि क्या तुम कॉल रिसीव नहीं करोगे। वायु उससे बोलता है कि सैम का कॉल है, वो बस ये जानना चाहता है कि मैं अपने रूम पर अभी तक पहुँचा कि नहीं। वायु जब कॉल नहीं उठाता है तो सैम थानू को कॉल लगाता है। थानू कॉल उठाकर सैम को बता देता है कि वायु उसके साथ है, वो चिंता ना करे। कॉल रखने के बाद थानू वायु से बोलता है कि वायु, अभी थानू की बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी वायु उससे बोलता है कि चलो वॉक पर चलते हैं। थानू बोलता है कि ठीक है। दोनों वॉक करते हुए रिवर साइड पर आ जाते हैं। थानू का ध्यान वायु के खुले शूलेस पर जाता है, वो शूलेस बांधने के लिए झुकता है, फिर अच्छे से उसे बांध देता है। फिर वो वायु से बोलता है कि वायु तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे ना, वो बात आज जो हुआ उस बारे में है ना, या फिर अनजाने में मुझसे कुछ ऐसा हो गया है जिसमें तुम्हें तकलीफ पहुंची है और तुम्हें अच्छा नहीं लगा है। वायु उससे बोलता है कि थानू क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम सब सैम और उसके फ्रेंड्स की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए शिप पर गए थे पर तुम शिप पर नहीं आए थे। थानू बोलता है कि हाँ मुझे याद है। वायु उससे बोलता है कि लेकिन उस दिन एक और पर्सन शिप पर नहीं आया था और वो था फाई। थानू को उस दिन का इंसिडेंट याद आता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर वो उस दिन फाई के साथ खड़ा था। फिर जब दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हुए थे तो उन्हें ऐसे विजन आए थे जैसे कि मानो वो दोनों पूर्व जन्म के कपल हो। वही फाई का कहना था कि हो सकता है कि ये सारे विजन उनके फ्यूचर के हों। और बेचारे थानू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ को क्या कहें और कैसे एक्सप्लेन करें। सीन प्रेजेंट में आता है। वायु थानू से बोलता है कि थानू क्या तुम मुझे पूरी स्टोरी बता सकती हो कि उस दिन हुआ क्या था, मैं तुम्हारे और फाई के बारे में जानना चाहता हूँ। थानू उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। फिर थानू उस दिन का सारा इंसिडेंट उसे बताता है और उसे बोलता है कि मेरे और फाई के बीच में कुछ नहीं है, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ महज एक इत्तेफाक था। वायु उससे कहता है कि तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया। थानू उससे कहता है कि क्योंकि मेरे और फाई के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं तुमसे कुछ बताऊं, सब कुछ ठीक है। वायु उससे कहता है कि शायद वही तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ। थानू उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेस्टिनी में यकीन नहीं रखता कि डेस्टिनी ही डिसाइड करती है कि हम किससे प्यार करेंगे। वायु उससे कहता है कि तो फिर तुम किस में यकीन रखते हो। थानू उससे कहता है कि मैं अपने दिल पर यकीन करता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिसकी परवाह करता हूँ और जिसको हमेशा खुश रखना चाहता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो वायु। वायु उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि फाई भी तुम्हारी तरह सोचता है, वरना वो मुझे उसकी वो तस्वीर क्यों दिखाता जिसे तुमने बनाया था। इतना बोलकर वायु थानू से अपना हाथ छुड़ा लेता है। थानू उसे समझाता है कि वायु मैंने कभी भी फाई के बारे में नहीं सोचा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो पर्सन सिर्फ तुम हो वायु। थानू ने फाइनली वायु से कन्फ्यूज कर दिया था कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है। धीरे धीरे वो उसे किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। थानू उसे किस करने ही वाला था कि वायु अपना चेहरा घुमा लेता है। वायु अब भी फाई के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसे लगता है कि फाई ने ही वो तस्वीर भेजकर उसे ये बताना चाहा था कि वो थानू से प्यार करता है और थानू उसके लिए बना है। वायु थानू से बोलता है कि आई एम सॉरी थानू। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, तभी थानू उसका हाथ थाम लेता है पर वायु उससे हाथ छुड़ाकर उससे दूर चला जाता है। थानू बेचारा उदास होकर वहीं बैठा रह जाता है। अब वो बेचारा वायु को कैसे समझाए कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है। सो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।